विश्वाला तार बुद्धा धम्मे अस्तील या जगा मधे लाखो धर्म जाती पण समते बांधनारा बुद्धा धम्म हेलो बड़ा उसको घराने का असर है जा जाऊरात आहे जा जाऊरात आहे जा जाऊरात आहे तळमळ प्रभो जहाँ आहे तड़म प्रबोधनाची केते समोर नेक हे चळव खरी भीमाची मज वंदनीय आहे तो वीर गिनंदा रक्षिणी बाग जाने इथे निरा
अलग अलग मॉनिटर में रिदम मत डालिए, एक ही मॉनिटर डालिए, सभी मॉनिटर में आना चाहिए। पाटिल बोलता नहीं का प्राण प्रिय मला प्राण प्रिय मला माझी भीमांजली वाहतो आदरांजलि प्राण प्रिय मला माझी भीमांजली प्राण प्रिय मला माझी भीमांजली वाहतो मी तया ही आदरांजली आगातो भीमेश आणि लिहितो तो पाटील कवी बा भीमापदी माझी स्वरांजली बा भीमापदी माझी भीमांजली नवतरुण कवी प्रणय खटकच म्हणतात नागपूर वरून प्रणय खुमरागडे म्हणतात ऐका ब भीमाचा लेकराना या भीमाचा लेकराना भीमाचा लेकराना जय भीम आहे माझा बोला जय भीम जीवन नहीं केलं का जय भीम भाऊ जय भीम जोर से बोलिए लगना चाहिए थोड़ा बाबा साहब के बच्चे हैं भैया थोड़ा लेके जा क्या है आजकल का गर्म माहौल है ठंडी बहुत चालू है भीमा चले करा मावल्यानो जय भीम घ्या की जय भीम जय भीम भीमा चले कराना कोण कोण बाबासाहेब के बच्चे कोण कोण बाबासाहेबाचे लेकर दोन्ही हात वर करावे एक हात ऊपर नाही करना है दोनों हात इधर
भाई दोनों हाथ, हाँ दो हाथ क्यों मालूम है क्या? दो हाथ क्यों? एक हाथ से भीख मांगी जाती है, दोनों हाथ, दोनों हाथों से मंगलमय दुआएं मांगी जाती है। भीम चले कराना, जय भीम आए राजा, भीमा चा लेकर आना, जय भीम आहे माझा, लड़वैया सैनिकांना जय भीम आहे माझा। जे आहे भीमाचा विचाराशी इमानी प्रणय, अशा जय भीम वाल्यांना जय भीम आहे माझा। जय भीम आहे माझा, जय भीम आहे माझा। दोन पाऊल पुढे जाऊन मुंबई वरून सारंग पवार म्हणतात, थांबविनी नरक यातना गुलामी भीमराया। मावल्यानो तो 66 वर्षापूर्वीचा काय आठवा, महाराणी गावच्या बाहेर, पण आजचा महार हा गावाचा प्रथम राहतो, मोठ्या मोठ्या महालमाडीमध्ये राहतो, चार चाकीच्या एसीच्या गाडीत घुमतो। आमच्या माय माऊल्या आज 1.5-2 लाखाचं मंगळसूत्र घालते, कुणाच्या कृपेमुळे? अरे या भारतीय संविधानामुळे। जोरदार टाळ्या होत्या भारतीय संविधानासाठी एकदा। थांबविली नरक यातना गुलामी भीमराया, जातीच्या वेशीवरती ती निलामी भीमराया। थांबविली नरक यातना गुलामी भीमराया, जातीच्या वेशीवरती ती निलामी भीमराया। अरे केले आम्हा माणूस, मानवता धम्म देऊन हा प्रत्येक श्वास देई सलामी भीमराया, हा प्रत्येक श्वास देई सलामी भीमराया। आणि म्हणून शेवटला तो हा कमलेश पाटलाचा सादर करतो, एक परिवर्तन माते गीत घेऊन येतो एका व न्याराचा थात होता तो शाही भीमाचा। माझे बाबा या भारताचे बाबा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शिल्पकार या भारताचे, 150 कोट 150 काय 150 सूत भूतामध्ये राहणारे आपले बाबासाहेब, न्याराच थाक होता तो शाही भीमाचा, आहे सारा भारत आज ग्वाही भीमाचा। न्याराच थाक होता तो शाही भीमाचा, आहे सारा भारत आज ग्वाही भीमाचा। दयामुळे आम्हा नवी अस्मिता मिळाली, देतो मान वंदना हा अनुयायी भीमाचा। आणि हीच बाबासाहेबांना क्रांतिकारी परिवर्तनवादी वंदना देतोय, ही मानवंदना देतोय, आणि आपला परिवर्तनवादी गीत सादर करतोय का काय? परिवर्तनाचा परिवर्तनाचा। ये परिवर्तन 2024 में आपको करना है, फिर बाद में बताना नहीं, फिर उसके बाद में अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला है। परिवर्तनाचा परिवर्तनाचा, अरे परिवर्तनाचा मी आज, उर्दू अल्फाज है, उर्दू लफ्ज है। आगाज मतलब शुरुआत, शुरुआत ये 2024 में हम करेंगे। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हमें आगे बाबा साहब का मिशन लेके जाना है, और आजकल की इस घिनौनी राजकीय परिस्थिति देखते हुए, सियासत देखते हुए,
एक भी पार्टी एक भी पक्ष ऐसा नहीं है जो कि भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन मेरे जब बाबा का नाम निकलता है आजकल को सबसे ईडिया लग रही है, सब पे सीबीआई बैठ रहा है, मगर कोई बता दे मेरे बाबा साहब के भीम सैनिक पर कोई ईडी और सीबीआई बैठती है? क्यों नहीं बैठती है? क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं, क्योंकि दाग वर्ण व्यवस्था का धोना भी जरूरी है, दाग वर्ण व्यवस्था का धोना भी जरूरी है, अगर कुछ पाना है तो खोना भी जरूरी है। देना है दुनिया को ये संदेश बुद्ध गौतम का पाटिल के गाने के साथ साथ प्रबोधन होना भी जरूरी है। सफेद कपड़ों की तरह परिवर्तन मिया आवाज आवाज बनने के लिए काबिल है? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। हाँ भैया, बाबा साहब का आवाज दिल्ली तक कौन कौन पहुंचाने के लिए तैयार है? अरे परिवर्तन आवाज इतला वंचित बहुजन, इतला उपेक्षित बहुजन समाज, तेली माई कुर्मी सर्व समाज, इतला अठा पकड़ जातीचा समुदाय, 6000 जाती
माझ्या बाबासाहेबांनी एक संघ करून इथला भारत हा अखंड भारत या संविधानाच्या रूपामध्ये इथे कायम राखीला. 1,45,000 शब्दांचा मसुदा माझ्या बाबा साहेबांनी या संविधानाच्या द्वारे या देशाला दिला. आणि ही घटना, ही राज्य घटना, हे संविधान भारताचं आज संपूर्ण जगामध्ये आज फर्स्ट नंबर वरती आहे. पण आता काही इल्लीगल जातीचे लोक, शेंडीवाले, जानवधारी यांच्या ज्या बारीक ज्या कारवाया सुरू आहे, संविधान विरोधी सुरू आहे. आप टीव्ही चॅनल पर देखते होंगे, दिन ब दिन दिन रोज नई नई बातें सुनने आती है. राजकीय लोग अपने भ्रष्टाचार में लगे हैं और धीरे धीरे लव जिहाद का मुद्दा सामने लाकर बाबा साहब का लिखा हुआ अंतर जातीय विवाह कायदा भी रद्द होने के कगार पर है. हम अपना अभिव्यक्ति स्वातंत्र यहाँ बोल नहीं सकते. क्यों? 22 प्रतिज्ञाएं दिल्ली में आपके मंत्री ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री ने दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा देकर बुद्ध धम्म का स्वीकार कराया. 22 प्रतिज्ञा लेना ये बाबा साहब ने हमें 56 में सिखाया. तभी से बाबा साहब ने हमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र दिया. मगर इस अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर भी आज रोक लगाने की कोशिश की जा रही है. इस प्रकार भारत का, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान आज दिन ब दिन ये नष्ट होने के कगार पर है. 2024 मध्ये जर का हे मनुवादी सरकार, मी कोणा पक्षाचा प्रचार करण्याकरता नाही आलो. माझा नेता, आमचा सगळ्यांचा नेता आणि आमचा पक्ष म्हणजे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. हम किसी नेता का गाना नहीं गाते हैं, क्योंकि हम जिसका गाते हैं उसी का ही खाते हैं और जिसका खाते हैं हम उसी का ही गाएंगे. अरे समुद्राचे पाणी मोजायला माफ आहे का? समुद्राचे पाणी मोजायला माफ आहे का? आकाशाची उंची मोजायला नाप? अरे संविधान बदलायचं म्हणता तुम्ही, संविधान लिहायला दुसरा बाप आहे का? संविधान लिहायला दुसरा बाप आहे का? पण महेंद्र भाऊ भैया, यंग न्यू फोर्स, न्यू यूथ फोर्स, मैं आपके लिए दे रहा हूं. मैं आपसे कोई गुनाह करवाने के लिए नहीं कह रहा हूं. जो सम्राट अशोक ने की, जो धम्म प्रचार के लिए अर्पण कर दिया, ये शायर है भीमराव जगताप अलीपुरी, राहुल और संगमित्रा, देखिएगा भाव. ईट नहीं जरूरी बनाने बिहार के लिए, जी राज्य घटना समानता शिकवते. मगर मैं यंग बाबा साहब का बुद्धिज्म इन बुद्धिस्ट लोगों के लिए दे रहा हूं कि ईट ईट नहीं जरूरी बनाने बिहार के लिए. हम पत्थर फोड़ देते हैं बुद्ध आकार के लिए. ईट नहीं जरूरी बनाने बिहार के लिए. हम पत्थर फोड़ देते हैं बुद्ध आकार के लिए. सपना है हमारा कि भारत बौद्धमय बने, मगर सम्राट होना जरूरी है. मगर सम्राट होना जरूरी है धम्म प्रचार के लिए. मगर सम्राट होना जरूरी है धम्म प्रचार के लिए. मेरे बाबा ने बुद्धयान धम्म के इन तत्वों पर आधारित, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य पर आधारित भारतीय संविधान निर्माण किया. पण अरे 65 किलोची तलवार वागो तो त्याचं नाव येसाजी. 65 किलोची तलवार वागो तो त्याचं नाव येसाजी. हा,
2000 जनाम बरोबर एकटा खिंड लढवतो त्याचं नाव बाजी। अरे हात तुटला तरी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी। आठ तासामध्ये दिल्लीहून पुण्याला घोडा हाणतो त्याचं नाव संताजी। वाघाला वाघाचा जबडा फाडून त्याचे दात मोजतो त्याचं नाव संभाजी। आणि या सगळ्यांना एकत्र करून स्वराज्य निर्माण करतो त्याचं नाव शिवाजी। मनहूनी राज घटने वर मनहूनी राज घटने वर अरे मला नाज आला मनहूनी राज घटने वर सादर करतोय काय हो बाबा साहेबांनी 25 डिसेंबर 1927 साली विचार करा माऊल्यांनो विचार करा दादा बाबा साहेब विश्वभूषण बाबा साहेब पुस्तक वेडे बाबा साहेब ग्रंथ वेडे बाबा साहेब जगातलं असं एकही पुस्तक नाही असा एकही ग्रंथ नाही जो माझ्या बाबा साहेबांनी अभ्यासला असेल पण इथला मनुस्मृती नावाचा ग्रंथ बाबा साहेबांनी रायगडाच्या पायथ्याशी काय जायला विचार करण्याची गोष्ट आहे। कारण त्यामध्ये इथल्या स्त्रियांना शूद्र म्हणून हीन म्हणून वागणूक हीन दर्जाची वागणूक पशुपरी वागणूक देण्यात आली आणि इथल्या मानव जातीला जे प्रताडित करण्यात आलं त्या मनुस्मृतीनुसार म्हणून बाबासाहेबांनी त्या ब्राह्मणीय वर्णव्यवस्थेवर चालणारा मनुस्मृती ग्रंथ बाबासाहेबांनी जायला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आपणाचा बदला बाबासाहेबांनी घेतला। जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभिषेक राज्याभिषेक करण्यासाठी या महाराष्ट्राचा एकही ब्राह्मण तयार नसतो एकही नसतो। वाराणसीच्या शूद्र ब्राह्मणाला गागाभट नावाच्या ब्राह्मणाला पाचारण करण्यात येतं आमंत्रित करण्यात येतं 5000 सुवर्ण मुद्रा देऊन गागाभट्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक डाव्या पायाच्या अंगठ्याने करतात। एवढ्या मोठ्या लढवय्या स्वराज्य निर्माण करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी राजाचा डाव्या पायाने डाव्या पायाच्या अंगठ्याने राज्याभिषेक केला जातो फार मोठी अपमानाची गोष्ट आहे आणि हीच हाच अपमान बाबासाहेबांनी मनुस्मृती जाळून घेतला। का ज्या मनूला अभिमाने मनूला अभिमाने
आत्मसात केले का आणि आज अरे तो मनुवाद पुन्हा अरे तो मनुवाद पुन्हा अरे तो मनुवाद पुन्हा दिसतो आज महेंद्र भाई या गाण्याचे कवी महाराष्ट्र नव्हे तर भारतातील सुप्रसिद्ध गायक माझे गुरुवर्य आदरणीय माननीय प्रकाशनाथजी पाटणकर म्हणतात ऐका हो शेवटला कडव आणि ते आपल्या गाण्यामध्ये शेवटल्या ओळीमध्ये नागनाथ शब्दाचा उपयोग करतात. नागनाथ या शब्दाचा प्रयोग करून ते शेवटलं कडव लिहितात ऐका हो. नागनाथ कहता नागनाथ कहता अनुयायी तू भी माता युथ फोर्स आपने जो इस प्रोग्राम को खड़ा करने के लिए जो मेहनत की है मगर आपको कहीं ना कहीं से भी निगेटिव जो कमेंट्स मिली होगी आपका दिल बहुत दुखा होगा मगर आप सच्चे बाबा साहब के भीम सैनिक हो. सच्चे भीम सैनिकों के लिए जोरदार तालियां हो जाए मेरी माता बहने. मगर नागनाथ कैसा अनुयायी तू भीमाता तू तुझ्या बंगल्यावर तुझ्या बंगल्यात 33 कोटीचं रान आहे. जो बाबासाहेब के आरक्षण पर संविधानाच्या आरक्षणावर जे मोठ्या मोठ्या ड्युट्या घेऊन 70-70 एका लाखाचे पगार घेऊन या कार्यक्रमासाठी जे पण 100-200 रुपयाची पट्टी ज्यानं फाडली नाही मात्र हिशोब मांगायला तयार होता त्या लोकांना बोलतोय ए अबे तू तुझ्या बंगल्यावर तुझ्या बंगल्यात 33 कोटीचं रान आहे. भीम बुद्ध भगवान ही तर माझ्या झोपडीची शान आहे. तुझ्या बंगल्यावर तुझ्या बंगल्यात 33 कोटीचं रान आहे. भीम बुद्ध भगवान ही तर माझ्या झोपडीची शान आहे. काँग्रेस सेना बीजेपी मनसेला मोठा करतो. काँग्रेस सेना बीजेपी मनसेला मोठा करतोस. अबे सांग तुझ्या इतका मोठा या बाबाला बहिमान कोण आहे. तुझ्या इतका बहिमान या बाबाला कोण आहे. मनुवादाच्या दारात आजही पाणी भरतो हा आंबेडकरी विचाराचा अपमान आहे. असेल मी झोपडीचा परंतु मला चार चौघात मान आहे कारण कायदात आजही माझ्या जिवंत स्वाभिमान आहे. मगर प्रणय सत्ताजी नागपूर से लिखते हैं ये मैं आपके लिए दे रहा हूं. नागनाथ कैसा अनुयायी तू भीमाचा मगर ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए चार लाइन दे रहा हूं. बेटा कलदार सुनना मोहतरम. हाँ भाई अजय भाई
नागनाथ कैसा अनुयायी तू भी माता, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए। शेर पर तवज्जो दे, प्रणय से सच कहते हैं। महेंद्र भाव, आप इतने दूर रायपुर से आए हैं, आपके अंदर वो अंबेडकरी मिशन का जज्बा होगा, मिथुन गजनीय में वो जज्बा है, उनके सभी साथियों में वो जज्बा है, उनके लिए थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए। बेटा तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए। धीरज, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। मेरी आपसे अपील है 2024 कर अपने हाथ से कहीं आप अपने मुंह को बंद मत रखिए, आंखों पर पट्टी मत बांधिए। क्यों? क्योंकि एक गांव में वाक्या सुनाने जा रहा हूं। एक गांव में एक कुत्ती की डिलीवरी होती है, एक कुत्ती की डिलीवरी होती है और वो कुत्ती को चार बच्चे होते हैं। चार बच्चे पैदा होते ही बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के वो बच्चे, चारों बच्चे कुतिया के बच्चे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ये चमत्कार हो गया, उस गांव का सरपंच, पूरे गांव के लोग जमा हो गए। वो देखते हैं बाप, कुतिया के पिल्ले, छोटे छोटे बच्चे बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सारे गांव वासी पूरे जमा होते, इकट्ठा जमा होते हैं। तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। फिर अपने क्षेत्र के खासदार को फोन लगाते हैं, खासदार जी, माननीय महोदय जी, हमारे ग्राम तेड़वा में एक बिल्ली, उसकी डिलीवरी हुई है, उसने चार बच्चे दिए हैं, वो बीजेपी जिंदाबाद, चार बच्चे बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो दिल्ली से खासदार आते हैं, चार दिन का वक्त लगता है, पूरा ताफा लेके आते हैं साक्षात्कार को देखने के लिए। बाद में वो बच्चे बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाना बंद हो जाते हैं, तो वो खासदार गुस्से से उस सरपंच की तरफ देखता है, ये क्या हो गया, ये तो नारे नहीं लगा रहे बच्चे। तो सरपंच बोलता है, महोदय ये तो आंखें बंद करने के पहले बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद कहते थे, मगर अभी आंखें खुलने के बाद में ये इन्होंने नारे देना बंद कर दिया। करके मेरे भाइयों, आंखें बंद मत रखो, आंखें खुली रखो, और ये आंखें हमें 2024 में आने वाले लोकसभा में बताना है। मगर बेटा, जिसमें जज्बा रहता है, मुझे मेरे सोए हुए समाज को जगाना है, मुझे सोए हुए समाज को जगाना है। तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। अबे हमारे देशभक्ति पे सवाल उठाने वालों, हमने जान गवाई है इस वतन के लिए। हमने जान गवाई है इस वतन के लिए, मगर तेरे बाप में हिम्मत है तो जा, रोक के दिखा। ए मोदी योगी, जा, तेरे बाप में हिम्मत है तो जा, रोक के दिखा। हाँ, हमने भी सर पे कफन बांधा है प्रबोधन के लिए। ऐसे सामने आ जाओ, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। हमारे देशभक्ति पे सवाल उठाने वालों, हमने जान गवाई है वतन के लिए, तेरे बाप में हिम्मत है तो जा, रोक के दिखा।
हमने भी सर पे कफन बांधा है प्रबोधन के लिए, तुम तैयारी करो, तुम तैयारी करो मंदिर बनाने की। इलाज बिल्कुल नया है। तुम तेरे बाप में हिम्मत है तो जा रोक के दिखा। हमने भी कफन बांधा है इस प्रबोधन के लिए, तुम तैयारी करो महेंद्र भाऊ, तुम तैयारी करो मंदिर बनाने की। हाँ तुम तैयारी करो मंदिर बनाने की। हम भी तैयार है संसद भवन के लिए। तेरे बाप में हिम्मत है तो क्या रोक के दिखा। हमने सर पे कफन बांधा है प्रबोधन के लिए, सुनना भाई, तुम तैयारी करो मंदिर बनाने की। हाँ हम भी तैयार है संसद भवन के लिए, मगर मेरे माने मेरे माथे पे लिख दिया। क्या बात है, तुम तैयारी करो मंदिर बनाने की, हम भी तैयार है संसद भवन के लिए, मेरे माने मेरे माथे पे लिख दिया। भीमेश, मेरे माने मेरे माथे पे लिख दिया बेटा। भीमेश, पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए। बुजदिल बच्चा कौन पे शैदा मत करो, बुजदिल बच्चा कौन पे शैदा मत करो, और जान बूझ कर अपनी कोख का सौदा मत करो। काशी राम के जैसा वतन के लिए हो रहा हूं, आसाराम के जैसा हरामी बच्चा पैदा मत करो। हाँ यही रंग है, यही रंग रहेगा मरते दम तक, यही रंग रहेगा, यही रंग रहेगा। मगर मनु के बेटों में कितना है दम। और प्रणय दो कदम आगे जा के लिखते हैं, मनु के बेटों में कितना है पावर देख लेते हैं। मनु के बेटों में कितना है पावर देख लेते हैं। आ जाओ आओ जंग में सवर कर देख लेते हैं, भिंडी का फोटो देखकर मेरे आंसू बहते हैं। चैत्य भूमि में जाकर 6 दिसंबर देख लेते हैं। चैत्य भूमि में जाकर 6 दिसंबर देख लेते हैं, मगर शिलान्यास नहीं है वो, शिलान्यास नहीं है वो, हिंदू राष्ट्र का आगाज है। शिलान्यास नहीं है वो, हिंदू राष्ट्र का आगाज है। महेंद्र भाव मिथुन भाव, शिलान्यास नहीं है वो, हिंदू राष्ट्र का आगाज है। अयोध्या में जाके अपनी मौत का नंबर देख लेते हैं। नागनाथ कैसा अनुयायी तू भी माता, नागनाथ कैसा
बसतो तो बगावाज परिवर्तनाता 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 मिया राज आहे परिवर्तनाता मिया राज आहे त्या बाबा भीमाता अर त्या बाबा भीमाता अर त्या बाबा भीमाता मिया राज आहे वंदन गीता देवी।